हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो इस चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। लेकिन आज मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि आज मेरी इंचार्ज जो है स्मूथनिंग कराने गई हुई थी, तो उन्हें बहुत टाइम हो गया पार्लर में, तो फ़ोन आया उनका कि संगीता मैं तेरे पास आऊँगी। तो वैसे वो रुकने की वाली तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगी, तो वैसे मैं थोड़ा सा फोर्स कर लूँगी कि दीदी रुक जाओ, लेट हो गए हो, दूर भी है उनका घर, तो वो जाकर। तो गाइस, मैंने उनके लिए खाना बनाया है, तो मैं उनके खाने में मतलब आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई है मिक्स, और एक मैंने बनाया मटर पनीर। मटर पनीर अभी मैंने बनाया नहीं, बनाने जा रही हूँ, तो मैंने इसके लिए सारी जो है रेसिपी तैयार करके रख ली है। और मैंने अभी ग्राइंडर में टमाटर पीस के रख दिया है, ग्राइंड करके रख लिया है, और अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट भी बना के रख लिया है, ग्राइंड करके रख लिया है। तो मैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए, तो आप देखिए मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो गाइज़, ये है मेरा लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट जो मैंने एक साथ पीस के रख लिया है, और मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरे के साथ जीरा मेरा हो चुका है, तो मैं अब इसमें ये प्याज डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, चलाऊँगी। जब तक ये हो रहा है तब तक मैंने ये टमाटर की प्यूरी भी बना के देखिए रख लिया, मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया है। सैलड के लिए मैंने प्याज भी काट लिया, गाजर छील के रख दिया है, और यहाँ पर टमाटर और क्या है खीरा भी मैंने नहीं काटा है, तो वो मैं लास्ट में काटूंगी। अभी मैंने नहीं पानी में रख दिया है, और प्याज का पानी, मिर्च जो प्याज में खाते वक्त मिर्च लगती है, चचरी लगती है, तो वो उसका पानी मैंने डिप करके रख दिया ताकि इनका चरचरापन दूर हो जाए और प्याज में टेस्ट आ जाता है। तो आप मेरी सैलेड भी देखना किस तरह से सैलेड बनाती हूँ। तो गाइज, ये मेरी सब्ज़ी देखो, ये वाली आलू गाजर मटर की रेसिपी जो मैंने बना ली है, तैयार कर ली है, तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है मेरी आलू गाजर मटर की। कम एक सिंपल सब्ज़ी हो गई और एक मटर पनीर हो गया, तो देखिए गाइज कितना प्यारा लग रहा है। तो बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। अभी प्याज भूनने में टाइम लगेगा, क्योंकि गाइस किसी प्याज को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, भून रही हूँ। जब तक भूनेगी तब तक मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। तो मेरी प्याज भून चुकी है और अब मैं डाल दूँ प्योरी। अब इसमें मैं डालूँ मिर्च मसाले, नमक। गाइस, हमारा टमाटर प्यूरी भी इसके अंदर पक चुका है, कलर छोड़ चुका है, ऑयल देखो कितना अच्छा कलर आ गया है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखिए गाइस, है ना अच्छा कलर। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसे 4 to 5 मिनट और चलाऊं ताकि अच्छे से और पक जाए, मेरा मसाला कच्चा ना रहे। और जानते हो मैं साबुत खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि घर में तो खाना है, कोई इतना बाहर का कोई ऐसा नहीं रहा है, तो घर में भी अगर मैं सिंपल बनाऊंगी तो भी इतना अच्छा लगेगा ना, मैं बता नहीं सकती। इसमें भी इतना टेस्ट रहा है, बस ऊपर से गर्म मसाला डाल दो, हो गया। लेकिन मैं ज़्यादा खड़े बड़े मसाले नहीं डालती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ उनका, तो इसमें भी मैं बहुत सही से बन जाता है। अब हम इसमें करेंगे पानी को ऐड, बस ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा टाइट नहीं, इतना कि अब इसमें मटर भी डलेगी और पनीर भी डलेगा, तो ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। अब इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको तब तक ढककर रख देंगे और वेट करते हैं इसका पकने का, उबाल आने का। सर्दियों में खाना बनाना ये बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें, तो बन तो चुका है मेरा खाना, मतलब सब्जी दोनों मेरी तैयार हो ही चुकी, एक तो पूरी रेडी हो चुकी है और एक रेडी होने वाली है। और अब मैं बस आटा गूंथ लूँगी और एक तरफ मैं राइस रख दूँगी बना, जीरा राइस बना रही हूँ मैं, कि राइस के बिना
खाना अधूरा होता है, तो थोड़ा राइस भी बनाऊंगी। और गाइस देखते रहिएगा आप लोग को मेरे। तो मेरी मटर पनीर की सब्जी देखिए कितना अच्छे से इसका रंग आ गया है, और मैंने इसे पनीर भी डाल दिया काट के। और आप देख सकते हो गाइस ये मेरी सब्जी बन गई है। अभी से 2 मिनट से 2 से 3 मिनट मुझे पकाना है। तो आप मुझे बताइए मेरी मटर पनीर की सब्जी कैसी लगी आपको। मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूंगी और हरा धनिया का भी टेस्ट इसके अंदर आएगा, तो ये और भी लाजवाब बन जाएगी। तो देखते रहिएगा भाई।